हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में। ठीक है, इसके जो भी पक्ष हैं सभी पक्षों पर हम लोग नज़र डालेंगे। बात करते हैं वैश्विक स्तर पर शिपिंग को विनियमित करने के उद्देश्य से गठित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने भारत की उपस्थिति और हस्तक्षेप भारत के समुद्री हितों को प्रभावित कर रहा है। याद रखिए, वैश्विक स्तर पर शिपिंग को विनियमित करने के उद्देश्य से IMO की स्थापना की गई है। यह स्थिति IMO द्वारा जहाजों के ईंधन के संबंध में लिए गए हालिया निर्णय से भी सुस्पष्ट हो जाती है। IMO द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार सभी व्यापारिक जहाज 1 जनवरी 2020 से 0.5% से अधिक सल्फर सामग्री वाले ईंधन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। याद रखिए, IMO द्वारा जो नए आपके घोषित किए गए नियम, उसमें 1 जनवरी 2020 से 0.5% से अधिक सल्फर सामग्री वाले ईंधन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ठीक, ज्ञात हो कि इससे पूर्व सल्फर सामग्री की यह सीमा 3.5% तक थी, लेकिन हम घटाकर उसे 0.5% कर दिया गया। IMO के इस निर्णय का भारत जैसे विकासशील देशों पर काफी अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। संगठन के इस निर्णय से जाहिर तौर पर तेल की कीमतों में वृद्धि होगी। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसे देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में अपनी भूमिका को और बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर संगठन के निर्णय को प्रभावित कर सके। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के नए निर्णय का प्रभाव। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार संगठन के इस निर्णय से जहाजों से उत्सर्जित होने वाले सल्फर ऑक्साइड में 77% की गिरावट होगी। जो नए नियम IMO ने जारी किए हैं, इसके लागू होने से सल्फर के उत्सर्जन में 77% की गिरावट आएगी। जहाजों से सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करने से अम्लीय वर्षा और समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में मदद मिलेगी। सल्फर ऑक्साइड के संबंध में यह नई सीमा जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा है। ज्ञात हो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन MARPOL मारपोल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तत्वाधान में की गई एक प्रमुख पर्यावरण संधि है। यह निर्णय सतत विकास लक्ष्य SDG 14 स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग के साथ मेल खाता है। बात करते हैं निर्णय से संबंधित समस्याएं। ये निर्णय लिया गया है, इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। विश्लेषकों के अनुसार अतीत में ऐसा कई बार देखा गया है, इस प्रकार के निर्णयों से कंपनियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के कई जहाज हैं जो कम सल्फर ऑक्साइड के साथ कार्य करने में समर्थ नहीं है, जिसके कारण कंपनियों को उन जहाजों की सेवाओं को बंद करना होगा। इसके अलावा नए नियमों से कई जहाजों की कार्यकुशलता में भी कमी आ सकती है। 0.5% सल्फर सामग्री वाले ईंधन का उत्पादन अधिक महंगा होगा, इसी कारण जहाजों की परिचालन लागत भी बढ़ जाएगी। ठीक, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में, IMO के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में जेनेवा सम्मेलन के दौरान हुई थी। याद रखना, ये UN की एक संस्था है और इसकी स्थापना 1948 में जेनेवा सम्मेलन के दौरान हुई थी, एक समझौते के माध्यम से की गई थी। IMO की पहली बैठक इसकी स्थापना के लगभग 10 वर्षों पश्चात बस 1959 में हुई थी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के कुल 174 सदस्य और 3 एसोसिएट सदस्य हैं। इसका मुख्यालय आपका लंदन में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उत्तरदायी है। शिपिंग वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय उद्योग है। इसे केवल तभी प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है जब नियमों और मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
स्वीकार किया जाए। ज्ञातव्य हो कि आईएमओ अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और ना ही आईएमओ के पास नीतियों के परिवर्तन हेतु कोई तंत्र मौजूद है। इसका मुख्य कार्य शिपिंग उद्योग के लिए एक ऐसा नियामक ढांचा तैयार करना है जो निष्पक्ष और प्रभावी हो, जिसे सार्वभौमिक रूप से अपनाया व लागू किया जा सके। भारत के लिए आईएमओ के महत्व को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम संगठन की संरचना और कार्यप्रणाली को समझें। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की संरचना और कार्यप्रणाली। संगठन में एक सामान्य सभा, एक परिषद और 5 मुख्य समितियां हैं। याद रखना, इस संगठन में एक सामान्य सभा, एक परिषद और 5 मुख्य समितियां हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख समितियों के कार्य में सहयोग के लिए संगठन में कई उप समितियां भी हैं। सामान्य सभा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का सर्वोच्च नागरिक शासकीय निकाय है। सामान्य सभा है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का सर्वोच्च शासकीय निकाय है। इसमें सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सत्र का आयोजन होता है इसका, किंतु यदि आवश्यकता हो तो एक असाधारण सत्र भी आयोजित किया जा सकता है। सामान्य सभा मुख्य रूप से संगठन के कार्यक्रमों को मंजूरी देने, बजट पर मतदान करने और संगठन की वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य सभा संगठन के परिषद का भी चुनाव करती है। ठीक है, फिर आपका परिषद। परिषद को सामान्य सभा के प्रत्येक नियमित सत्र के पश्चात 2 वर्षों के लिए सामान्य सभा द्वारा भी चुना जाता है। परिषद आईएमओ का कार्यकारी अंग है और इस संगठन के कार्य की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। परिषद के कार्यों की बात करें तो इसमें सामान्य सभा के 2 सत्रों के मध्य परिषद सामान्य सभा के सभी कार्य करती है। हालांकि सम्मेलन के अनुच्छेद 15J के तहत सामुदायिक सुरक्षा और प्रदूषण रोकथाम पर सरकारों को सिफारिश करने का कार्य सामान्य सभा के पास सुरक्षित रखा गया है। परिषद संगठन के विभिन्न अंगों की गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करती है। सामान्य सभा की मंजूरी के साथ महासचिव की नियुक्ति का कार्य भी परिषद को दिया गया है। ठीक है, जो महासचिव होता है इसकी नियुक्ति परिषद करती है। परिषद में कुछ कुल आपके 40 सदस्य होते हैं, जिनमें ए बी सी सेडी में बांटा जाता है। समितियों की बात करें तो इसमें समुद्री सुरक्षा समिति, समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति, कानूनी समिति, तकनीकी सहयोग समिति, सुविधा समिति शामिल है। संगठन की ये समितियां मुख्य रूप से नीतियां बनाने और विकसित करने, उन्हें आगे बढ़ाने और नियमों तथा दिशा निर्देशों को पूरा करने का काम करती हैं। अब बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और भारत के बारे में। ठीक है, भारत वर्ष 1959 में समुद्री संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ। कब हुआ शामिल? 1959 में। वर्तमान में भारत संगठन की परिषद की सदस्यों की श्रेणी बी में आता है। श्रेणी ए इसमें वे देश शामिल हैं जिनको सबसे अधिक हित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे चीन, इटली, जापान और नॉर्वे। श्रेणी बी इसमें वे देश शामिल हैं जिनका सबसे अधिक हित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ है, जैसे आपका भारत है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्राजील। श्रेणी सी इसमें वे देश हैं जिनकी समुद्री व्यापार और नेविगेशन से विशेष हित जुड़ा हुआ है, जैसे आपका बेल्जियम, चिली, साइप्रस और डेनमार्क। अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए आईएमओ ने भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से अपर्याप्त रही है। लंदन स्थित आईएमओ के मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि पद बीते 25 वर्षों से रिक्त है। भारत के विपरीत विकसित राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में वर्चस्व देखा जाता है। अधिकतर यूरोपीय देश अपने समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए अपने प्रस्तावों को एक समान रूप से आगे बढ़ाते हैं। वहीं लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रों ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए लंदन स्थित आईएमओ के मुख्यालय में अपना स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। आईएमओ ने समुद्री डाकियों की उपस्थिति के आधार पर हिंद महासागर में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय नौसेना उत्तर तटरक्षक बल की मौजूदगी के बावजूद अरब सागर और भारत के लगभग पूरे दक्षिण पश्चिम तट को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। अब आगे की राय क्या होगी? आगे की राय होगी, वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत के हितों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में अपनी भागीदारी को बढ़ाना होगा। कम से कम भारत को आईएमओ के मुख्यालय में
भारत का एक स्थायी प्रतिनिधित्व पद भरने का प्रयास करना होगा। चलिए, तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और भारत। ठीक,